गाइस, जब भी आप कभी एक व्हाट्सएप पे कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो आपको एक एरर आता है, डाउनलोड फाइल, द फाइल हैज अनेबल टू कंप्लीट, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे दिखा देता हूँ आपको एक बार ही फिर से करके, और यही एरर हमको सामने आने वाला है। तो गाइस देख सकते हैं आप, इस तरह का एरर हमको फिर से आ गया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इस वीडियो में जानेंगे। तो गाइस अभी तक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्त वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आप जैसे ही आ जाएंगे मोबाइल सेटिंग में, तो आपको अपने ऐप्स एंड नोटिफिकेशन ऑप्शन में आ जाना है। आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा ये, अगर ये नोकिया यूज़ करते तो आपको ये यहाँ पे मिल जाएगा। अदरवाइज आपको यहाँ पे शायद नीचे से साइड में आपके देख लीजिएगा, या सर्च बार में भी आप ऐप लिखेंगे तो आपके ऐप्स आ जाएंगे। तो जैसे कि आप मेरे यहाँ पे ऐप्स आ जाते हैं, मेरे यहाँ पे शो होते हैं, लेकिन मैं आपके लिए दिखा देता हूँ जैसे कि यहाँ से ऐसे आपको शो होंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सारे ऐप्स शो हो जाएंगे। तो नीचे आपको व्हाट्सएप पे चले जाना है। तो मैं व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ, व्हाट्सएप बिजनेस नहीं बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ सेटिंग्स करने पड़ेंगी जो आपकी ऑफ शायद हो सकती हैं। तो पहले परमिशन में आएंगे। परमिशन में आपको देखना है कि आपकी फाइल एंड मीडिया आपकी अलाव है या नहीं है। डिने तो नहीं है, अगर डिने होगी तो ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो आपको अलाव एंड मैनेजमेंट और ऑफ द ऑफ ऑल फाइल्स कर देना है। ठीक है, यहाँ से हमें पहली सेटिंग्स क्लियर कर लेनी है। फिर हमें आनी है यहाँ पे दूसरी सेटिंग्स में, वो हमारी क्या हो गई, यहाँ थोड़ा सा नीचे जाएंगे। तो यहाँ पे एक सेकेंड मैं थोड़ा सा बैक आ जाता हूँ। हाँ अब सही है। तो ये हम परमिशन में आए थे, अब देख लेना है हमें मोबाइल सिम डाटा वाईफाई इसमें आ जाना है। यहाँ पे ऐप सेटिंग में आपको बैकग्राउंड डाटा हमेशा चलते रहना चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड डाटा ज़रूरी होता है आपके ऐप को चलाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए इसको अनमार्क कर, इसको अगर यस है तो यहाँ पे डाटा सर्वर ऑन मत कीजिएगा, नहीं तो वो लिमिटेड डाटा हो जाता है। इसको यहाँ से ठीक कर लेना। ओके, हमें थर्ड सेटिंग अब करनी है। यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे इंस्टॉल अननोन सोर्स आपको कहीं अलाउ तो नहीं है, यानी ये वाला सोर्स अगर एक्टिवेट नहीं है। क्या होता है जब कभी कोई ऐप आ जाता है, वायरस आ जाते हैं, ऑटोमेटिक इसमें इंस्टॉल हो जाता है, तो इसको हमेशा ऑफ कर लेना। ठीक है, ये हमारा ऑफ रहेगा। फिर हमें बैक करना है, फिर हमें सेटिंग्स में चले जाना है, बैक। बैक्स में जाने के बाद आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट नेटवर्क पे आ जाना है। अब इसमें आपको अगर आप एक सिम यूज़ करते हैं तो अपनी चॉइस कर लीजिएगा, दो यूज़ करते हैं तो कोई सी किसी पे भी आप एक पे टाइप कर लीजिएगा। क्या होगा, इतनी सेटिंग करने के बाद आपको एक नेटवर्क डाटा चेंज कर लेना है। इसमें से मैंने जैसे जियो कर रखा था तो मैंने अभी एयरटेल कर दिया। ठीक है, तो हमें और इसको ऑन कर देना है। आप देखते हैं क्या होता है, आप कहेंगे नेट ऑन है तो इसकी वजह से नहीं होता है, आपके ज़्यादातर प्रॉब्लम उसी जो सेटिंग मैंने आपको बताया है उसी से होता है। तो मैं फिर से अपने व्हाट्सएप पे आ जाता हूँ और एक बार दिखा देता हूँ करके। यहाँ पे इसको ओके करेंगे तो आप देख पा रहे हैं फाइनली हम डाउनलोड कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने एरर को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका आ रहा है तो यहाँ पे आपको गुड मॉर्निंग आ रहा है, हमारा इमेज शो होने लगा है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि हमारा जो एरर था फाइनली सॉल्व हो चुका है। तो आई गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक कर दो, चैनल को नहीं कर सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। तो वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, थैंक यू वेरी मच।